रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, छोटा सा बेबी है, इसको जो है ना मोशन हो रहे हैं और शायद गर्मी से या दांतों से, लेकिन अब इसको जो है ना फिजियोथेरेपी से इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखें, तेल से बच्चे की मालिश कर रहे हैं, इससे जो है ना मोशन को आराम आएगा। इसके जॉइंट्स पे जो है ना, हर जॉइंट पे इसके मालिश कर रहे हैं एक ख़ास तरतीब से, और बेबी बहुत रो रहा है। चुप हो जाओ। सबसे पहले बच्चे की गर्दन पे मालिश की है और सर पे की है, और अब टांगों और बाजुओं की जा रही है। और ये कितने टाइम करवानी होती है? 3 टाइम करवानी है ये, यानी कि रोज एक बार। तो इससे इंशाल्लाह जो है ना वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब ये देखिए, उल्टा किया है इसको, और अब यहाँ पर जो है ना कमर पे बच्चे की जो है ना वो तेल लगा के उसकी मालिश कर रहे हैं। गुलाई में मालिश कर रहे हैं। बच्चा जो है इसके गले पक गए हैं और ये खाना नहीं खाता, तो इसके गले जो है वो मले जा रहे हैं। और सबसे पहले तो ये नाफ में तेल लगाया जा रहा है, क्योंकि नाफ जो है ना वो बच्चे की जो है ना वो सूख गई है, इस वजह से इसके गले पड़े हैं। तो अब गले की मालिश करेंगे किसी तेल के साथ, किसी भी तेल के साथ। और तेल जो है, तेल का मकसद ये होता है ताकि मालिश जो है वो आराम से हो जाए, थोड़ा चिकना हो जाए हाथ, और थोड़ा सा दबाव के साथ जो है ना बच्चे के गले मले जा रहे हैं। ये देखें, थोड़ा सा दबाव देके बच्चे के गले मले जा रहे हैं। और कानों में तेल लगाया जा रहा है, इससे जो है ना वो गला जो है वो ठीक हो जाएगा। और अबू बकर नूरी बहुत हैरान होके देख रहे हैं। अबू बकर नूरी, क्या नाम है आपका? और अल्लाह ताला इन बच्चों को ठीक कर दे जी। आप लोग भी दुआ करें, सारे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं किसी के भी हों। तो इसके इसको भी कितने टाइम मिलवाना है गलों को? बस ये एक ही टाइम ठीक हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और बच्चे की शर्ट पर देखें कार्टून बने हुए हैं। अल्लाह।